हाय गाइस वेलकम बैक सलार का काउंटडाउन हैज ऑफिशियली बिगन यस सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं सलार के ट्रेलर को आने में केवल 31 दिन बचे हैं सलार को रिलीज होने में और देखो आप किस तरीके से ओवरसीज मार्केट में मास डोमिनेशन चल रहा है नो मर्सी एट ऑल व्हेन इट कम्स टू सलार द सीज फायर किस तरीके की एडवांस बुकिंग चल रही है ये हमको दर्शाती है कि कितना जबरदस्त बज है कितना ज़बरदस्त हाइप है इन द ऑडियंस नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन द ओवरसीज ऑडियंस और साथ साथ में हम लोग बात कर ही रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है ट्रेलर को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है लोगों में खैर नंबर मैं आपको सारे बताने वाली हूँ क्या कुछ चल रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो फिर से अपडेट आ चुका होगा सो so, uh, बट दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सारी चीज़ें यूएस यूके एंड ऑफकोर्स द ट्रेलर का हाइप सो स्टे ट्यून सारी वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को कर लो अभी के अभी सब्सक्राइब ऐसा हो रहा है कई बार कि आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो प्लीज डोंट डू दैट तो शुरू करते हैं सबसे पहले सलार के हाइप से बॉस दिस मूवी इज समथिंग एल्स मैंने आपसे कहा था कि जब सलार के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रशांत नील की हम लोग बात करेंगे सलार से रेबल स्टार का जो प्रेजेंटेशन है जो प्रोजेक्शन है उसकी एंड ऑफकोर्स द के जी एफ फैक्टर वो के जी एफ जिसको आज तक लोग चेज कर रहे हैं जिसके रिकॉर्ड्स को और अभी तक वो ब्रेक नहीं हो पाए हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं सेक्टर्स हैं जिसमें KGF के जी एफ के रिकॉर्ड कायम हैं अभी तक और देखना आप सलार का भी यही होने वाला है सलार का जब हमने टीजर ही देखा था एटी थ्री मिलियंस का एटी थ्री मिलियन व्यूज जस्ट फ्राम यूट्यूब जस्ट फ्राम यूट्यूब रहा था इन जस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स सुबह अब यहाँ पर ट्रेलर के केस में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है क्या यहाँ पर भी हमारे को एक सिंगल लिंक दिया जाएगा जहाँ से तीनों हम लोग तीनों के तीनों लैंग्वेजेज़ में इसको देख पाएंगे या नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर था जिसमें टाइम जो था सही से मैनेज हुआ बड़े सही तरीके से मेकर्स ने यू नो जिससे ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कहीं और कहीं और जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कई सारे लिंक्स आ जाते हैं और हम गलती से किसी और लैंग्वेज में जो हम नहीं समझ पाते उसका लिंक हम प्रेस कर देते ये मिनी सेकेंड्स की भी जो देरी है ना इससे भी व्यूज़ में इतना फर्क पड़ जाता है जब हम इतने बड़े लेवल की फ़िल्मों की बात करते हैं और व्यू काउंट्स की बात करते हैं तो बॉस जो इनिशियल कह सकते हैं रीच है उसको पहुंचाने में जो प्रशांत नील एंड टीम कर रही है होमबाड़े फिल्म दे हैव अ ब्रेन ऑफ अ मास्टर माइंड लिटरली सो ये चीज़ें होने जा रही हैं अब आप देखो ये सब के चलते ओवरसीज़ मार्केट में क्या हाल चल रहा है ओवरसीज़ मार्केट में कह सकते हो कि अभी तो एम से अभी तो यू नो स्टार्ट नहीं हुई है एडवांस बुकिंग ये सिर्फ सिनेमा की हम लोग बात करते हैं या एक दो और चेंज है जिनकी हम लोग बात करते हैं जब हम सलार फिलहाल तेलगू लैंग्वेज की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एंड इट इज़ ब्रेकिंग इट इज जस्ट वेटिंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स लिटरली रोज रोज में इतने बड़े बड़े जंप्स ले रही है ना एडवांस बुकिंग अनबिलीवेबल है ये देखना चलो शुरू करते हैं नंबर्स की बात करते हैं सो यू एस में अभी तक हैं फाइव ट्वेंटी शोज चल रहे हैं 172 सेवेंटी टू लोकेशन है फाइव थाउजेंड सेवेंटी थ्री टिकट सोल्ड आउट है अब यहाँ पे कल लोग कई लोग मुझसे कह रहे थे कि दस हज़ार से ऊपर टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं आप क्या कह रहे हो दो लाख तक की बुकिंग हो चुकी है यार प्लीज़ अंडरस्टैंड हम सिर्फ अभी यूएस की बात कर रहे हैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में पिछले वीडियो में मैंने केवल यूएस के ऊपर बनाई थी पूरी नहीं बनाई थी ओवरसीज़ के ऊपर तो मत कन्फ्यूज़ हो यहाँ पर वो ओवरऑल थी ये यूएस की बात हो रही है आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग ओके सो सिर्फ यूएस यूएस की अगर मैं बात करूं तो पांच हजार फाइव थाउजेंड सेवेंटी थ्री टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं और वन पॉइंट थ्री टू लाख की लाख यूएस डॉलर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है विच मीन्स वन पॉइंट वन जीरो करोड़ इंडियन रुपीज की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है वी आर स्टिल थर्टी वन डेज टू तो गो फॉर द प्रीमियर्स अभी तो ये प्रीमियर्स की बात हो रही है अभी तो सिर्फ यूएस की बात हो रही है जब हम बात करेंगे पूरे ओवरऑल ओवरसीज मार्केट की तो सोचो तब सलार का क्या नंबर होगा और अभी कितना समय बाकी है मैंने देखा है कुछ ऐसी फिल्में फिल्मों की भी एडवांस बुकिंग जो बिल्कुल जस्ट रिलीज होने जा रही हैं अभी से हफ्ता दस दिन के बाद लेकिन उत, उनकी भी टिकट्स इतनी सोल्ड आउट नहीं है जितनी कि सलार की इस वक्त पर हैं थर्टी वन डेज पहले हैं सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन सलार क्या करेगी बॉक्स ऑफिस पे क्या तबाही लाने वाली है के वाले ही लेवल से भी मैं कहती हूं ऊपर होगी सलार माइंडेड ऐसा होगा ठीक है चलिए ये तो तो रही बात भाई यूएस की तो यू, यूके में क्या कुछ कहानी चल रही है यूके में अभी चार दिन हुए हैं एडवांस बुकिंग को ओपन हुए और केवल इन चार दिनों में माइंड यू केवल इन चार दिनों में 50 लोकेशन एटी नाइन शोज में फोर प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं केवल चार दिनों में फ्रॉम द यू के मार्केट अब ये टोटल आप बोल सकते हो मिलाकर यस और ये जो मैं आपको बता रही हूँ यूके की रिपोर्ट ये शाम पाँच बजे की अपडेटेड है अभी तक अपडेट नहीं आया इसके ऊपर सो so, हो सकता है जब आप वीडियो देखे हो गए तब तक अपडेट आ चुका होगा उसको आप अपने हिसाब से अब एड ऑन कर लेना इसी में लेकिन हाँ फिलहाल तक की ये रिपोर्ट है कह सकते हो अभी दिन के सवा बारह बजे हैं और सवा बारह बजे का ये मैं आ, मैंने आपको आंकड़ा ये वाला दिया है ठीक है इसके बाद अब सोचो कि जो फिल्म रिलीज से पहले दस हजार टिकट्स बेच चुकी है ओवरसीज मार्केट में इकतीस दिन पहले बत्तीस दिन पहले वो फिल्म जब रिलीज होगी और जब उसकी ओवर जब उसकी ओवरऑल एडवांस बुकिंग ओपन होंगी वो क्या करेगी बॉस जस्ट लुक एट दीज लिट पोस्टर्स दैट द फैंस आर मेकिंग ये फैन मेड पोस्टर्स हैं और इनको देख के समझ में आता है पता चलता है कि भाई साहब यू नो ये होगी um, बाप लेवल वाली कलेक्शंस करने वाली फिल्म और लिटरली कई लोग पहले भी डाउट कर रहे थे सलार को कि भाई सलार कहाँ है सलार के मेकर्स कहाँ हैं अभी तक कुछ अपडेट्स क्यों नहीं दे रहे अब तुम देख लो उन्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है एडवांस बुकिंग खुद बोल रही है कि सलार क्या करेगी सो so, यस yes. दस दिन है क्रेज बहुत ज़्यादा है ट्रेलर को लेकर क्रेज बहुत ज़्यादा है और अभी देखना एक और अपडेट आएगी जिसमें हमारे को पहले से लिंक दे दिया जाएगा इन चीज़ों में ना मैंने देखा है कि कुछ फिल्म कंपनीज जो हैं बहुत आगे हैं यार और बहुत आगे हैं मतलब वो समय तो डिसाइड कर देते हैं पहले से लिंक्स शेयर कर देते हैं इस इस लिंक पे आने वाला है ताकि जैसे ही वो टाइम होता है ना उसी वक्त पर मिलियंस ऑफ क्लिक्स आती हैं और उसी वक्त पर जो इनिशियल रीच है मैं मैं पहले भी बोलती हूँ इनिशियल रीच बहुत मैटर करती है यहीं से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है और यहां पर सलार के मेकर्स कोई कसर छोड़ने नहीं वाले हैं जो प्रशांत नील बोलते हैं इट इज द बिगेस्ट कमर्शियल मूवी प्रशांत नील क्या प्रभास ने भी बोली है ये बात दैट सलार इज द बिगेस्ट कमर्शियल मूवी प्रशांत नील जो खुद के जी बना चुके हैं प्रभास जो खुद बाहुबली टू कर चुके हैं वो ये दोनों बात करें कि सलार विल बी द बिगेस्ट बिगेस्ट ऑफ दीज टू क्या मॉन्स्टर डायनासोर लेवल की फिल्म होगी सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेलर हाउ एक्साइटेड आर यू और ओवरसीज एडवांस बुकिंग सुनने के बाद आपका क्या हाल है कितने खुश हो आप कितने एक्साइटेड हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी फिलक दिसम्स डोट शेयर एंड डोटे माई चैनल